कोरबा की होगी, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के दो वरिष्ठ नेताओं के बीच हुई मारपीट से पार्टी में हड़कंप मच गया है। पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर के बेटे संदीप कंवर और भाजपा नेता जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बिलासपुर के पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र पांडे पुत्र शिवम पांडे के मध्य बुधवार को मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि रजगामार मार्ग में संचालित सृष्टि मेडिकल कॉलेज को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद के संबंध में देवेंद्र पांडे के पुत्र शिवम पांडे निहारका स्थित निवास पर बातचीत के दौरान मारपीट की यह घटना हुई है। पुलिस घटनास्थल के आसपास से सीसीटीवी कैमरे के आधार पर अन्य तत्वों पर भी जांच कर रही है। तो पांडे पिता देवेंद्र पांडे और संदीप कंवर दोनों एक दूसरे के खिलाफ मारपीट का आरोप लगाया, उनके विरुद्ध काउंटर अपराध दर्ज किया गया। तो कोरबा से खबर है, जहां पर भाजपा के दो वरिष्ठ नेताओं के बीच मारपीट हुई है। दरअसल मेडिकल कॉलेज संचालन को लेकर यह विवाद गहराया और मारपीट हुई। मनोज मेरे सहयोगी से जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। मनोज, क्या कुछ है पूरी खबर? पूरा मामला जो है मारपीट से जुड़ा हुआ है। दोनों ही भाजपा नेता के पुत्र हैं, जो पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर के जो पुत्र हैं संदीप कंवर, और एक भाजपा नेता हैं जिला सहकारी मर्यादित केंद्रीय बैंक के जो है अध्यक्ष रहे पूर्व पांडे जी, उनके पुत्र जो है शिवम पांडे के बीच जो है कल मारपीट हुई है। पूरा मामला बताया जा रहा है कि पैसे लेन देन को लेकर जुड़ा हुआ है। पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर जी के काफी नजदीकी और समर्थक रहे देवेंद्र पांडे जी, और काफी चुनाव संबंधित और उनसे शुरू से ही करीबी रहे हैं देवेंद्र पांडे जी। चलिए, शुक्रिया मनोज। और इसी के साथ एक्सप्रेस स्पेशल में इतना ही। खबरें लगातार जारी है।